नमस्कार दोस्तों, मैं एलएन सतपथी मोटिवेशनल ट्रेनर लाइफ कोच आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसको अंत तक जरूर देखिएगा और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत में बेल बटन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको भी नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहेगा। आज का टॉपिक है चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर रिजल्ट। नजरिया बदल दो, नतीजे बदल जाएंगे। और इंग्लिश में कहावत है योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड। इसका क्या मतलब है? आपका नजरिया ही बता देगा आप कितने ऊंचा तक जा सकते हैं, कितने ऊपर तक जा सकते हैं। सकारात्मक नजरिया ही सफलता का मूल मंत्र है। हर चीज को किस नजर पे आप देखते हैं, हर घटना को किस नजर पे देखते हैं, वही नतीजा डिसाइड करता है। हम जैसे चाहते हैं हमेशा ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा भी नहीं। और जो हो रहा है, जो होता है, उसी को हम किस नजर पे देखते हैं, उसी के ऊपर नतीजा निर्भर करता है सर। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। प्रभु रामचंद्र जी, उनका जब राज्याभिषेक होना था, उसका एक दिन पहले उनको खबर मिला कि माता कैकेयी उनको बुला रहे हैं। तुरंत वो महल के अंदर पहुंचे, देखा तो पिताश्री दशरथ जी मूर्छित हो गए हैं और बगल में माता जी कैकेयी जी है। उन्होंने पूछा क्यों बुलाया, तो कैकेयी ने बोले मैंने दो वर मांगे थे, उन्होंने देने के लिए मेरे को बोले थे तुम्हारे पिताजी, आज वो दो वर मांगा और दो वर मांगते ही इन्होंने मूर्छित हो गए। ना क्या वर मांगे थे आपने? मैं ये वर मांगा था कि तुम 14 साल के लिए वनवास जाओगे और मेरा पुत्र भरत का राज्याभिषेक होगा। सुनते तुरंत प्रभु रामचंद्र जी का मुंह से निकल गया बस इतना सा बात है। देखिए उनका रिएक्शन भी देखिए, बस इतना सा। अगर हम होते तो क्या क्या नहीं बोलते कि बर आपने मांगा था दशरथ जी को, हम बीच में क्यों आ जाते हैं, हम थोड़ी कंडीशन किया था। कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी तर्क दे सकते थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? वो वनवास तो गए 14 साल के लिए, मगर रामचंद्र जी गए थे वनवास, जब वापस आए पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बन के आए। यही था नतीजा। एक दुकानदार कभी ये नहीं सोचता कि उसके दुकान के सामने गया हुआ रास्ता पे जो जितने लोग भी जाते हैं, हर कोई उसका दुकान के अंदर आएंगे और सारे के सारे सामान खरीदेंगे। सब नहीं आते, कुछ लोग आते हैं। जो भी अंदर आते हैं, सारे के सारे जितने अंदर आने वाले जो लोग हैं, सारे के सारे उसका ग्राहक नहीं बनते, खरीदते नहीं है। मगर सबको सेम टू सेम उत्साह के साथ वो अपना प्रोडक्ट दिखाता है, कभी किसी से शिकायत नहीं करता। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी को एक अनोखा चीज मिला, एक अनोखा कुत्ता मिला, जिसके पास एक चमत्कार क्वालिटी था, चमत्कार गुण था कि वो पानी में चल सकता था। कुत्ते तो पानी में तैर लेते हैं, मगर वो पानी के ऊपर चल भी सकता था। वो बहुत खुश हो गया कुत्ता जब मिल गया उसको। वो आके अपने दोस्त लोग को बोला, मेरे पास एक चमत्कारी कुत्ता आ गया, आओ मेरे घर में दिखाता हूं। कुछ दोस्त आए, उन्होंने दिखाया, देखो कुत्ता पानी के ऊपर चलते गया। एक दोस्त को पूछा जो दुखी होकर बैठा था, बोला क्या हुआ? तो मैं देखा कि तेरा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता भाई। मतलब उसको कुत्ता में क्या नहीं है वही देखा। कुछ एजेंट को भी ऐसा होता है, एजेंट के साथ भी ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ भी ऐसा होता है। प्लान में जब कोई नया प्लान एलआईसी लाता है, उसमें क्या क्या नहीं है वो निकालते रहते हैं, मगर जो है उसका कैसे भरपूर फायदा उठाएंगे वो नहीं देखते हैं।
याद रखिए, ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, दुनिया के हर आदमी के साथ ये हो रहा है। और मगर सफल वही हो रहा है जो देखता है जो हो रहा है उसमें से कितना फायदा मेरे के लिए है, वो फायदा मैं कैसे उठा सकता हूं। सुबह एक पार्टी ने आपको बोला था, अपॉइंटमेंट दिया था मिलने के लिए, आपने पूरा एनर्जेटिक बन के उसके घर को गए, मगर देखा कि घर में वो नहीं, खबर मिला कि घर में नहीं है। तुरंत हम ये डिसीजन ले लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि पार्टी ने मेरे को छुपा, छुप गया, भाग गया, करना नहीं है। कभी ये भी सोच सकते हैं, हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गया हो, और ये इमरजेंसी आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, हर कोई हर इंसान के साथ होता है, उसके साथ भी हो सकता है। याद रखिए, खुद को छोड़ के बाकी लोग को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, अगर सफल होना है तो बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ दीजिए। नेगेटिव में मत सोचिए, सकारात्मक मत सोचिए। देखिए, आप ये जरूर जानते होंगे, एक ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, कुछ लोगों को ये दिखता है कि पानी आधा ग्लास है, और कुछ लोगों को ये दिखता है कि इसमें आधा ग्लास खाली है। आपको क्या दिख रहा है ये तय करेगा आप कितने ऊंचा तक जाएंगे। कुछ लोग है शिकायत हर चीज का करते रहते हैं, उनको बोलते हैं कंप्लेंट काउंटर में वो जिंदगी बिता देते हैं, शिकायत करते करते वो मर जाते। ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। अगर आगे बढ़ना है, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा सही होगा, आप दिल लगा के काम करिए, और जो हो रहा है उसमें से क्या फायदा आपके लिए, उसको ढूंढ के उसी के ऊपर आप वर्कआउट करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर बहुत जल्द फिर हाजिर होऊंगा और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।